हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि टीवी पर। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा है लाइंस एंड एंगल्स, इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रखा है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वो वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर हमारे चैनल पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्लास 9th की ऐसी ही जो है सॉल्यूशंस की वीडियोस मिलती रहे टाइम टाइम। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दे रखा है। इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी कॉमा सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। तो देखिए इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इस फिगर में देखिए ये जो हमारा ए बी है ना, ये सी डी के पैरेलल है, ठीक दिया है ये, और सी डी जो है ना हमारा ई एफ के पैरेलल है। ठीक, ये इतना हो गया, समझ में आया। और वाई एक्स और वाई को का वैल्यू हमको एक्स इज टू जेड इज इक्वल्स टू 3:7 दिया है और हमको क्या पूछ रखा है, ये एक्स वाला एंगल एक्स समझ लीजिए, ये एक्स इसको हमें पूछ रखा है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो फटाफट से देखिए, देखिए अब यहाँ पर ये हमारा वाई है तो वर्टिकली अपोजिट करके ये वाला हम वाई ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये बताइए ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ले सकते हैं ना, ये वाई हो गया ना, इसको वाई लेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब जितना, क्योंकि जितना ही ये हमारा एंगल होगा उतना ही तो ये भी होगा, तो हम इसको कर सकते हैं लेट। ठीक है, ओके। तो चलिए देखिए, मैं गिवन यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ, लिख के रखा हूँ गिवन, फाइंड क्या करना है हमको, सब कुछ लिखा है, आपको सिर्फ फटाफट से मैं आंसर करके दिखा दूँगा। ठीक है, देखिए गिवन में हमारा यही है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 और फाइंड क्या करना है, एक्स हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फटाफट से हम करते हैं अपने आंसर की को शुरू। और एक चीज़ देखिए, आंसर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके हमारा एक लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है ना, ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इस एंगल को मैं वन लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता, वन एंगल वन। ठीक, तो सबसे पहले हम इसी को लेंगे, मतलब एंगल वन प्लस जेड इज इक्वल्स टू, एंगल जेड भी ले सकते, एंगल जेड ले लेते हैं, एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है, रीजन मस्ट है लिखना, लीनियर पेयर। ठीक, लीनियर पेयर बन रहा है। और अब देखिए एक चीज़ और देखिए, ये हमारा जो वन है ये वाई के कॉरस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, सॉरी ये वाला वाई नहीं लेंगे, ये वाला वाई लेंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ये तो अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक, वाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है ना, एक सेकेंड रुकिए आप, ये वन के कॉरस्पॉन्डिंग इसके ये वाला है ना, ये वाला है ना, हाँ है ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, यही था, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा एंगल वन जो है इक्वल्स टू एंगल वाई है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल जेड, सॉरी वाई, वाई है क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। Corresponding angle, corresponding angle है। ठीक है, क्या है, corresponding angle है। ठीक, तो फिर हमारा देखिए y और z, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एंगल y और z हमारा एक लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा एक लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं, ये बताइए आप, ये वाला एंगल भी हमारा एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो इसको भी हम फटाफट से लिखते हैं, मीन्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहा है ना, तो हम सिंपली लीनियर पेयर लिख देंगे। अब देखिए हमको गिवन में क्या है, गिवन y इज टू z गिवन है किसके बराबर है, 3:7 के,
तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो देखिए y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/10। नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखा देता हूँ। चलिए y इक्वल्स टू 3/10 इंटू में कितना रखेंगे, 180 डिग्री बना रहा है y प्लस जेड, तो हम यहाँ पर भी 180 डिग्री रखेंगे, ये हमारा 18 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 18 वैसे भी आ जाएगा। 18 3 = 54, तो हमारा एंगल y कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। तो फिर देयर फोर जब हमारा ये आ गया, तो अगर हम x प्लस वाई को कर लें ऐड, तुम्हारा ये देखिए x ये हाँ और ये y, हमारा एक कोलिनियर को इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, है ना। तो बस सिंपली हम इसको ले लेंगे, हमारा x आ जाएगा। तो देयरफोर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ दे आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा x कितना था, यहाँ पर हमने y को पुट किया है, y हमारा आया था कितना, यहाँ है y 54 है, तो हम लिखेंगे x, एक सेकंड, x प्लस 54 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ठीक है, डिग्री लगा दीजिए। तो देखिए x हमारा कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे हमारे पास x इक्वल्स टू 126 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई, हमको यही फाइंड भी करना था, x की वैल्यू हमको मिल गई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बटन को भी दबाएं, जिससे आपको क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।